हेलो नमस्कार वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आरके बूस्ट में। तो आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूँ टेक्सचर पेंट के बारे में, जिसमें आप दो टेक्सचर को इजीली कर सकते हैं मैं किसी भी प्लेन पर या किसी भी जगह पर। तो शुरू करते हैं बिना किसी बकवास के। सबसे पहले मैं यहाँ पर लगा देता हूँ मटेरियल, तो मैं ये ग्रास वाला मटेरियल लगा देता हूँ इस प्लेन पर, ठीक है। देन हम इस पर पेंट करने वाले हैं रोड का टेक्सचर। तो रोड हमारा कैसा होता है, ब्राउनिश कलर का होता है। तो सिंपल हम पहले ले लेते हैं शेडर एडिटर। तो देखिए ये एक तो बन चुका है, इसे हम सिंपली डुप्लीकेट भी कर सकते हैं या फिर एक मैं नॉर्मल डिफ्यूज शेडर लगा देता हूँ। इन दोनों शेडर को हम मिक्स कर देंगे मिक्स शेडर के थ्रू, ठीक है। तो ये दो शेडर हो चुके हैं, अब मैं मिक्स शेडर ले लेता हूँ यहाँ से। और यहाँ पर मिक्स शेडर लेके हम दोनों ही शेडर को एक दूसरे में यहाँ पर ऐड कर देंगे। एक शेडर यहाँ पर हो गया, दूसरा वाला शेडर मैं यहाँ से ऐड कर देता हूँ, ठीक है। देन अब क्या करेंगे, हम जो पहला वाला शेडर है उसको पेंट करेंगे सेकंड वाले में। तो अभी फुल्ली देखिए वाइट है, अब जब फुल फैक्टोरियल वैल्यू कर देंगे तो वन होके दूसरा वाला शेडर देखने लगेगा। तो हमें पेंट करना है ब्राउनिश कलर वाला रोड, अभी वाइट है उसे हम ब्राउन कर देंगे बाद में। अब देखिए पेंट करने के लिए आप सिंपल टेक्स्चर पेंट में जाइए, सेटिंग में जाकर यहाँ पर न्यू मटेरियल ले लीजिए, प्लस के आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आप बेस कलर ले सकते हैं और इस वैल्यू को आप फुली ब्लैक कर दीजिए ताकि अल्फ़ा वैल्यू वन रहे, ठीक है। तो इसे कर देते हैं ओके। तो देखिए यहाँ पर एक इमेज दिख रही है आपको शेडर एडिटर में, उस इमेज को हमें क्या करना है, जो मिक्स शेडर वाली टैब है उसके अल्फ़ा वाले चैनल में जोड़ना, फैक्टर जो वैल्यू दिख रही है वहाँ पर जोड़ देना है इस कलर को, ठीक है। देखिए पूरा ब्लैक हो गया है। तो हमें करना क्या है कि जो टेक्स्चर की जो कलर वाला लिया है हमने, इसे हम ऐड कर देंगे फैक्टर वैल्यू में, ठीक है। तो ये कर दिया ऐड, ये देखिए तो यहाँ पर उल्टा हो गया है, फर्स्ट कलर देखने लग गया। तो हम एक काम करते हैं, शेडर वन को टू में कर देते हैं और टू को वन में कर देते हैं, ये फुल्ली ग्रीन हो जाएगा, ये देखिए। अब सिंपल आप टेक्स्चर पेंट वाले ब्रश को यूज़ कीजिए, आपको जहाँ भी रोड देना है वहाँ पर आप रोड बना सकते हैं। देखिए मैं पेंट करना स्टार्ट करता हूँ, तो ये देखिए यहाँ पर पेंट करते ही रोड बनने लग गया है। तो बहुत ही शानदार ट्रिक है ये, अगर आपके पास कोई बहुत बड़ा प्लेन है और उसके बीच से आपको रोड देना है तो आपको अलग से वहाँ पर लूप कर दे के एक अलग रास्ता बनाने की ज़रूरत नहीं है। उसमें क्या करना पड़ता है, फिर हर एक फेस को सिलेक्ट करके उस पर अलग मटेरियल अप्लाई करो, तो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो यहाँ पर सिंपल हम क्या कर सकते हैं, टेक्स्चर पेंट के थ्रू दूसरा टेक्स्चर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो गया। अब मैं देखिए इन दोनों इमेज को रिप्लेस करके दिखाऊंगा कि कैसे आप रियलिस्टिक मटेरियल भी इनकी जगह लगा सकते हैं। तो सिंपल दो इमेज टैब हम डुप्लीकेट कर लेते हैं, ये बेस कलर टू में लगा दिया और ये बेस कलर वन में। अब देखिए दोनों इमेज को मैं रिप्लेस करूंगा मेरी जो इमेज वाली टेक्स्चर है उनके रेफरेंस से। तो यहाँ पर मैंने डेस्कटॉप पर दो इमेज रखी हुई है, एक रोड की और एक ग्रास की। देखिए मैं रोड वाला मटेरियल रोड की जगह लगा देता हूँ, तो ये देखिए बिटुमिनस का रोड आ गया है, बहुत ही आसान है। देन मैं सेकंड वाली इमेज में ग्रीन ग्रास वाला लगा देता हूँ, ठीक है। ये मैंने ग्रास वाला सेलेक्ट कर लिया और ये देखिए ये हमारा प्लेन बन चुका है। बहुत ही इजी वे है, अगर आपको कोई रोड बनाना है किसी जंगल से जाता हुआ या कहीं भी आप बनाना चाहते हैं, तो इस टेक्स्चर पेंट की मदद से आप इजीली कर सकते हैं। मैं नोड रिंगलर डाउन को ज़रा कर लेता हूँ इनेबल, पहले से ही इनेबल है। तो यहाँ पर कंट्रोल टी जैसे ही मैं प्रेस करूँगा तो यहाँ पर मैपिंग एक नोड आ जाएगी, जिससे हम क्या टेक्सचर को स्केल वगैरह कर सकते हैं, बहुत इजी वैली। तो कैसी लगी आज की ट्रिक आपको दोस्तों, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आपको टेक्सचर पेंट करने में कोई दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट में डाल दीजिए, मैं आपको सॉल्यूशन बता दूंगा। तो बहुत ही इजी तरीका है, आपको बिग ग्राउंड में एक छोटा सा पेंट करके आपको वहाँ से कोई रोड निकालना है। और ये टेक्सचर पेंट सिर्फ रोड के लिए नहीं, आप चाहे तो बिल्डिंग में या फिर किसी भी मटेरियल में लगा सकते हैं। जैसे हमें अगर आयरन में जंग वाला लगाना हो तो वो भी आप इजीली टेक्सचर पेंट के मदद से कर सकते हैं। तो कैसा लगा आपको वीडियो, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच।